नमस्कार फ्रेंड्स वी आर अगेन हियर टू डिस्कस अबाउट द पैटर्न एनालिसिस हम आज यहाँ पे हैं पैटर्न एनालिसिस एम सी क्यू नीट की पैटर्न एनालिसिस के लिए दैट इज एक चैप्टर खत्म करने के बाद आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ एच ई चैप्टर हाउ यू विल रिसर्च विथ योर पैटर्न एनालिसिस विद द एम सी क्यू टाइप बाई पैटर्न एनालिसिस दैट इज़ वट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर फ्रेमिंग इन द एग्जामिनेशंस दैट इज द मास्टर की टू सक्सेस सो इफ यू वॉन्ट टू आंसर हंड्रेड परसेंट सो यू हैव टू एनालाइज पैटर्न ऑब्वियसली दैट आफ्टर कंप्लीटिंग इच चैप्टर एक चैप्टर को खत्म करने के बाद एक एक यूनिट को खत्म करने के बाद जैसे मान लो कि एक इन्वर्टिबरेट्स है तो इन्वर्टिबरेट टोटल तो इन्वर्टिबरेट, तो इन्वर्टिबरेट खत्म करने के बाद प्रोटोजोआ, प्रोटोजो पॉीफेरा नि प्लाटी हेलमेटिसमेटो हेलमेंथिस जो है इसको सारे को लेके व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रेमिंग ऑलरेडी फ्रेम्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रेमिंग दिस इज ए वेरी वाइटल स्टेप ऑफ ए प्रिपरेशन सो एक पर्सन जो ऐसे ही पढ़ा जाता है कोई एनालिसिस नहीं करता है और जो कि एनालिसिस करके पढ़ता है दोनों के बीच बहुत ही फर्क होता है सो डू द एनालिसिस व्हाट आर द डिफरेंट की पॉइंट्स व्हाट हाउ यू हैव टू गेट प्रिपेयर फॉर दिस नीट एंड ह्यूज चैप्टर सो बट नॉट डूइंग एनीथिंग यू हैव टू डू विथ पैटर्न एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन व्हाट आर द डिफरेंट पैटर्न टूडे विल डिस्कस एंड गिव डिटेल्स इन पी डी एफ फॉर्मेट इन डिस्क्रिप्शन more examples more type so that a total huge chapter can be concised in a small small frame it can be and you can clearly analyze that what are the questions what questions can be framed and what questions would be framed so these are the different key factors we will discuss about it and later we will give details in a pdf हाँ, हम पी डी एफ में भी दे देंगे कि कैसे हम पै, पैटर्न को एम सी क्यू पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं ऐसे जो ऐसे इंडिविजुअल हैं ऐसे स्टूडेंट हैं नॉर्मल स्टूडेंट जो ऐसे ही पढ़ा जाता है ऐसे ही पढ़ लेते हैं रट्टा मार के रट्टा मार के पढ़ना नहीं है आपको पढ़ना है साइंटिफिकली और आप आफ्टर द रीडिंग आपको वो जो बैंक में जो पैसे डालते हैं ऐसे जाके आपका जो पढ़ाई है आपका जो मेहनत है उस वो उसको आपको स्टोर करना है एनालिसिस करके सो बाय डूइंग एनालिसिस यू कैन स्टोर योर नॉलेज बाय पैटर्न एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस व्हाट टाइप ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट पैटर्न्स आर पैटर्न्स ऑफ एम सिक्यूज आर फ्रेमिंग सो इफ यू लुक द पैटर्न देन यू नेवर मिस ए सिंगल एम सिक्यू सो इट विल स्ट्रेंथ यू स्ट गिव स्ट्रेंथ ये आपको बहुत ही ताकत देगा और एम सी को सॉल्व हंड्रेड परसेंट एम सी को सॉल्व करने के लिए ये एक एनालिसिस है ये रिसर्च है ये बहुत दिनों से चलता है लेकिन फॉलो नहीं किया जाता है हम नॉर्मल स्टूडेंट फॉलो नहीं करते हैं और सारे के सारे जो एक साथ पढ़ लेते हैं लेकिन याद करने की कोशिश करते हैं बाद में जाके बहुत कंफ्यूज हो जाता है सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पैटर्न एनालिसिस पैटर्न एनालिसिस है क्या देखो हम अगर मान लें कि पैटर्न एनालिसिस ऑफ एमसीक्यू सी क्यू की पैटर्न एनालिसिस करेंगे तो हमको ये क्या करना है इन्वर्टिप्रेट्स में क्या क्या है में देखो फर्स्ट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है हम इन में हमने देखा है परीफेरा निडारिया तीनोफेरा इसमें क्या क्या टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ो भाई कुछ भी जाके ये सारे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल है सेलुलर लेवल है ऑर्गेन लेवल है और डेवलप्ड ऑर्गन लेवल है आई जगह डेवलप हुआ है तो आई क्या उमाटिड से बना है ये कंपाउंड सिंपल आई सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन डेवलपमेंट हुआ है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑर्गेनाइजेशन है अगर अगर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें क्या क्या कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड है इज अ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूडेड इन सेलुलर लेवल इन इन टिश्यू Organization or it is a simple tissue level organization, whether it is a higher tissue level organization. So, if you first pattern or first grouped your all questions, that what are the different tissue level of organization, what are different level of organization. So, read all the questions, read, read all it from all the phylum, that what are the different level of organization of different phylums. Here, are the examples here, are the सेलुलर टिश्यू और ऑर्गन लेवल हर टाइप ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन आर आस्किंग फॉर हेयर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि कैसे कौन सा लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है जी हाइड्रा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है सेलुलर लेवल टिश्यू लेवल ऑर्गेन लेवल ऑफ नम जानते हैं हाइड्रा है, है निडारिया सो so, निडारिया में ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हम पॉरीफेरा में देख चुके हैं और यहाँ पे होगा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमने ऐसे ऐसे करके आपको सारे फाइलम को कवर करना है सो so, ये निडारियन का ये इन्वर्टिब्स uh, का एक इंपॉर्टेंट ट्रेड्स है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स को पकड़ पकड़ के एक एक फाइलम को सारे फाइलम को एक फ्रेम में लाना है सो लेट्स इट व्हाट आर द टू सिलोम और सीडोसिलोम लेवल ये जो सिलोमिक ट्रेड है सारे फाइलम में है तो आपको अब सिलोम को पकड़ के क्या करना है सिलोमिक ट्रेट्स को एक साथ लाना है सिलोमिक ट्रेट को आपको माइंड में घुमाना है कि एक साथ सिलोमिक ट्रेट कौन कौन फाइलम में आपको अगर बोला जाए कि सिलोम सो देन एंड देन यू विल रिमेंबर दैट व्हाट काइंड ऑफ सिलोम्स इन प्रेजेंट विच फाइलम एट अ टाइम इफ़ इफ़ यू रिमेंबर एट अ टाइम एट एनी टाइम सो इट विल बी ग्रेट नो वन कैन स्टॉप यू कोई भी आपको रोक नहीं सकता कि ट्रू सिलोम और सीरोसिलोम टाइप का है क्या यहाँ पे जो सारे आठ और नौ फाइलम है नाइन फाइलम तो सारे नाइन फाइलम का सिलोमिक कैरेक्टर कैसे है ये सारे सिलोमिक ट्रेड्स यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू रिमेंबर इट एंड एक साथ आपको याद करना है एक साथ आपको याद में रखना है कि ये सारे सिलोमिक ट्रेड्स है कैसे तो आपको कुछ और दूसरा नहीं है इसको बोलते हैं पैटर्न फॉर्मिंग डिफरेंट पैटर्न फॉर्मेशन बाई मीन ऑफ की ऐसे कि सिलोम क्या है कुछ फाइलम कौन सी फाइलम है कौन सी सिलम है इसमोजोशील अगर है तो स्पॉन्जोशील अगर दूसरा सिलोम है और स्मांजो स्पॉन्जोसिल के किसकी सिलोम को मैच किया जाता है इस्मॉन्जोसिल के साथ किसका सिलोम को मैच किया जाता है और ये ये कौन सी सिलोम किसके साथ रिलेटेड है और ये ऐसे एग्जाम्पल है कौन सी सिलोम कहाँ से ऑर्गेनाइज हुआ है कहाँ से डेवलप हुआ है मान लो कि सीडोसिलोम है तो सीडोसिलोम यहाँ पे एक्टोडाम से मेसोडाम से ग्स्टो ग्लास्टो, ग्लास्टोसिल से और ब्लास्टोसिल से है हम सीडोसिलोम गैस्ट्रोसिल से हुआ जाता है सॉरी सीडोसिलोम ये जो है ये ब्लास्टोसिल से होता है सो सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे हमको ट्रू सिलोम और क्वेश्चन भी आज के होता है कि कौन सी सिलोमिक ट्रेट कहाँ से हु फाइलम कंटेन द फर्स्ट सिलोमिक ट्रेट आपको पॉलीफेरा पूछा जाएगा निडारिया टिरोफेरा प्लाटी हेलमेंथिस निमाटो हेलमेंथिस कहाँ से ट्रू सिलोम नहीं हुआ है सीडोसिलोम स्टार्ट हुआ है कहाँ से ट्रू सिलोम कहाँ से हुआ है सीडोसिलोम को मालूम है कि एसियोमेंथिस uh, और राउंड वर्म से सीडोसलोम स्टार्ट हुआ है उसके पहले सिलोम है ही नहीं उसके बाद क्या आपको पता है कि वी नो दैट उसके बाद एनी लीडा ट्रू सिलोम विल फर्स्ट फेज एनी सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट Which phylum and contain the sylom. Pseudo Pseudosilome develops from ectoderm, endoderm, mesoderm. So, this, this you have to coelomic trait, you have to analyze this in a silomic pattern that what coelom is present, what kind of coelom is present, and from where it is developed. It is very, very important. This hain body plant type. What type of body plant? It is a closed body type, it is an open body type. Closed body plant that is only mouse is there, no anus. और ओनली बोथ माउथ और एनस इज देयर इन एवरी फाइलम अप टू द एस्टेलमेंट हिस अप टू द एसेलमेंट हिस यू विल भी रिमेंबर्ड विस बिकॉज अप टू द एसलमेंट इज देयर इज आयदर एनस आयदर माउथ और एन एस और माउथ और एनस इज बोथ इज प्रेजेंट हाँ आयदर माउथ इज प्रेजेंट इन पॉलिफेरा इट इज़ नॉट ए क्लोज टाइप बिकॉज इट हैज़ सो मेनी पोर्स इन केस ऑफ निडरिया इट इज ए क्लोज टाइप In case of pinophora, it's a closed type. In case of platyhelminthes, it's closed type. Yeah. It's case of mm, aschelminthes it's open type. So, uh, in uh, up to the platyhelminthes, yeah, it is a closed type, in, and then it in case of aschelminthes or uh, roundworm, it is open type. So, you have to remember it properly that what type of the body plan. So, pattern, make pattern. With a body plant that is, you remember in mind it is clearly that which body plant, which type of body plant present in which phylum. So, this is very important true phylum, pattern type, body plant type. Then, uh, then you have to, example, binds, blind set type of or open type of body plant. This type of body plant you have to remember that blind set type of body plant is found in edarians, sponge, or tapeworm or fishes. We know that blind set type of not present in sponge.

सो अगर एक्टोडम एंडोडाम एशोडाम से है तो ये ट्रिप्लो है और डिप्लोब्लास्टिक है कैसे सो यू हैव टू रिमेंबर दिस डिप्लोब्लास्टिक अगर है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लो प्लास्टिक एग्जाम्पल एक यहाँ पर क्या दिया है ट्रिप्लो विदाउट सिलोम दिस इज ए कन्फ्यूज ट्रेट दैट इज सिलोमिक ट्रेट और ब्लास्टिक लेवल ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ये ट्रिप्लो है और सिलोम नहीं है तो ट्रिप्लो है सिलोम नहीं है आपको मालूम है सिलोम विल फर्स्ट एनकाउंटर इन एनिलीडा सो

So this one and these are triploblastic. So you have to remember that in which phylum blastic level is there, triploblastic, triploblastic or this. So this is a blastic level of our uh, pattern. Another pattern is a special common common name type. A special common name type that is uh, either sea cucumber, hermit crab, or sea cucumber, sea anemone, sea fan, cuttlefish, hackfish. Uh, these are silverfish sorry, cuttlefish, silverfish, devilfish. These are examples of common type, these are common type of names. So, questions are asked that which common type is under which phylum or which what are the different common types and uh, common types and scientific name may be mixed together oh, that is a sepia is a cuttlefish, hmm? octopus is a devil hmm? So, you have to remember this in proper way in this way, when will when you will read it properly in case of invertebrates. So, read all the common names I have a uh, question hmm. uh, I have already given the common name hmm. type of invertebrates in my videos you will uh, go through this my channel and take it. So, common name when, when read it properly and questions are framed in a common name pattern. So, this one is very important. Hmm. Example here the which of the following is not a echinoderm? Oh, echinoderm kya nahi hai? Echinoderm mein क्या नहीं है इसमें ये, ये में से कौन एखन उडान में नहीं है सी लीली एकानोडर में है सी लेमोन एकानो कौन सा है जो ये ये एकानोडर में नहीं है बाकी सब एकानोडर का मेंबर है सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल कॉमन टाइप नेम ऐसे की ऐसे भी पूछा जा सकता है और भी आपको ये स्पेशल कॉमन नेम से पूछा जा सकता है जैसे हमने कटल फिश बोला है हाँ, जैसे हमें डॉक फिश बोलेंगे हैं हाँ, डेबल फीस बोलेंगे हाँ डॉक फीस नहीं डेबिल फीस डॉक फीस फिर चला गया वो इन uh, हेमिकॉर्डर्स में सो दिस वन इज सार्क स्कोलेडियम्स का है डॉक फीस और डेबिल फीस है ऑक्टोबस सो यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं ऐसे हम आते हैं कि स्पेशल ऑर्गेन टाइप ऑफ ट्रेप तो आप जब स्पेशल कॉमन टाइप आपको आएगा तो सारे स्पेशल कॉमन टाइप यू विल रिमेंबर इन योर माइंड इट विल मूव दैट ऑल द कॉमन टाइप यू हैव टू रिमेंबर एंड वेन एवर स्पेशल ऑर्गेन टाइप Hmm, develop. Then you have to remember all the organ type. That is, suppose radula, green gland, In that way, all the common name is there. So all the common type organ, special organ type, you have to remember. Questions are asked special from a special organ type. Questions are asked from special cellular structures, special cell type, hmm, specialized cell type. So from the phylums, what are the special organ type is there? Example. Example, green gland is excretory organ. Where? Where the green gland is excretory organ? In prawn, in butterfly, in earthworm, in snails. it is a prawn. So, green gland is present. Not only green gland, green gland, green gland. In this way, you have to remember radula is present in snails, in ospedium in snails or in case of uh, mollusca. So, in arthropoda, no, so many traits are there. You have to remember through RBC, pattern of RBC, either it nucleated, either it is present or not whether white bl white blood cell is present only whether rbc is present whether rbc is present so whether where it is present in dissolved condition or in normal condition as like us so in this way you have to form pattern separately so that you answer properly now the symmetry level bilateral dorso ventral, radial what kind of symmetry is there you have to remember whenever you are asked you will at a time remember all the symmetry level uh, all the nine phylum in invertebrates, all the nine phylums symmetrical you have to remember. What bilateral, symmetrical, dorsoventrally radial, symmetrical. Animal exhibit bilateral and radial symmetry. Bilateral in young stage, radial in mature stage. What we know that echinodermata exhibits this kind of radial and bilateral symmetrical. Bilateral symmetrical. Whether dorsoventral dorsoventrally symmetrical, we know that in one, is in flatworms the dorsoventrally symmetrical. So symmetrical level is most important. Most important trait is spatial cell type. Special cell type is. I have mentioned that it is a quanoside cell, amoeboid cell, spicules, archaeocytes. These are special cell type cell. You have to remember the cellular names. Whenever you encounter whenever you face, जब जब कभी work first करोगे, जब कभी कोई special cell type आएगा तो special cell type आपको mind में आना चाहिए कि कौन सारे phylum के special cell type आपको एक साथ पढ़ लेना है। So after reading in a normal way, एक साथ ऐसे पढ़ने के normal, generalized form में पढ़ने के बाद आपको group करके पढ़ना है। अगर आपने ग्रुप करके पढ़ लिया तो यू कैन आंसर एनी थिंग यू कैन आंसर फ्रॉम एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन एनी व्यर सो इट्स कॉल्ड पैटर्न एनालिसिस एंड इट्स कॉल्ड रिवर्स रीडिंग सो इट्स इफ यू डू द रिवर्स रीडिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स सो लार्वा नेम टाइप इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न वेन एवर लार्भा इज़ आस्क ऑल द लार्वा शुड बी क्लियर इन योर माइंड सो You can answer all the questions at a time. Example here the you know, planaria, Bipinaria, tonaria, Toco, Glochidium. These are all kinds of larva. So, what are the bipinnaria larva is found in which uh, phylum? Bipinaria we know that is a kinodermatal traits. In this way, I have already discussed, and uh, I will uh, give you the PDF format in my description. What will be the different Pattern so that after analyzing the pattern you can answer anything. So uh, this is the organ development type. Uh, joint appendages, water vascular system, canal system, uh, uh, metamere system, um, metameric segmentation. These are the another organ development type. What type of different organ developed? That is a joint appendages. Appendages are there or not?

Water vascular system, vascular system, water vascular system is present in echinoderms. in case of uh, stars, sea stars. But water vascular system is a key and hallmark trait of the echinoderms. Canal system is present, water canal system, water vascular system to different. We know that in Porifera has a water canal system, water vascular system is present in echinodermata. So, metameric segmentation, metameric segmentation, we know that where wire metameric segmentation in case of uh, arthropoda we have faced the metameric segmentation, we have already faced the anilinear contain the septi hmm? in their septa in in their coelomic silom, trait, septa is there that is body is segmented and a ring like structure annually is formed. So, special name, special traits you have to separately you have to separately deposit in your mind, so that after asking any type of question by any angle you can answer it properly.